नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आपने कैनरा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है कैनरा बैंक के दिया ऐप से या फिर कैनरा बैंक के वेबसाइट के माध्यम से, तो यहाँ पर कैनरा बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड किया जाता है। आप इसी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से कैनरा बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपको इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड बता रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने जो अकाउंट ओपन करने के समय में ईमेल आईडी दिया था, उस ईमेल आईडी पर आपको कैनरा बैंक की तरफ से ईमेल सेंड किया गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरीके का ईमेल आया होगा, कैनरा बैंक की तरफ से वेलकम टू कैनरा बैंक लिखा गया होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यह देख सकते हैं ओपन हो गया है। आपको एक पीडीएफ मिला होगा, इसमें पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्ट होगा, आपको पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। पासवर्ड में आप लोग जो भी नाम से आपने अकाउंट ओपन किया है उस नाम का पहला 4 अक्षर फिलअप करेंगे और डेट ऑफ बर्थ में डेट और मंथ फिलअप करेंगे, जैसे कि आपका नाम और यहां पर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 14 नवंबर 1985 है तो 14 आपका हो जाएगा और नवंबर 11 महीना है तो 11 लिखेंगे, यहां पर ईयर छोड़ देंगे। तो इस तरीका से आपको यहां पर कैपिटल में फिलअप करना है पासवर्ड। चलिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है कैनरा बैंक वेलकम किट पीडीएफ। आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं और यहां पर देख सकते हैं ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसे ओपन कर लेंगे यहां से। चलिए ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं पासवर्ड रिक्वायर्ड लिखा गया है, दिस डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड में फिलअप कर लेंगे, जो भी नाम से आपका अकाउंट है उस नाम का पहला 4 अक्षर कैपिटल अक्षर में फिलअप करना है और डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ डेट और मंथ फिलअप करना है। आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पासवर्ड फिलअप कर दिया, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जो भी नाम से आपने अकाउंट ओपन किया, यहाँ पे नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी, कब आपने अकाउंट ओपन किया है, यहाँ पर नाम होगा, डेट होगा और आप यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हैं कब आपने अकाउंट ओपन किया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी भी लिखा गया होगा। चलिए नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मिला होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिखा गया है। आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है वर्चुअल डेबिट कार्ड, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिलता नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपका ब्रांच नेम, ब्रांच डीपी कोड और यहाँ पर जो भी एरिया में आपका ब्रांच होगा यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ रहता है और यदि आपने नॉमिनी को ऐड किया तो नॉमिनी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। चलिए अब हम यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का हमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया है। अब हम यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग में किस तरीका से लॉग इन करेंगे आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और सर्च कर लीजिए कैनरा बैंक। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप कैनरा बैंक लिखेंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा कैनरा बैंक। चलिए हम इसमें क्लिक कर लेना आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है canarabank.com, आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये कैनरा बैंक का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया होगा लॉगिन, आप लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो सिंडिकेट यहाँ पर नेट बैंकिंग कैनरा, दूसरा है नेट बैंकिंग ई सिंडिकेट। आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग कैनरा पे क्लिक कर लेना है या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर नेट बैंकिंग लिखा गया है आप यहां पर भी क्लिक करेंगे। यहां पर देख सकते हैं कैनरा का नेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करने के लिए आ गया है। आप यहां पर देख सकते हैं दो यहां पे ऑप्शन है, एक तो नेट बैंकिंग रिटेल और नेट बैंकिंग डेस्कटॉप साइट, आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर इस पर क्लिक कर लेते हैं, नेट बैंकिंग डेस्कटॉप साइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको लॉगिन करने के लिए आ गया है। आप यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, जो आपको पीडीएफ में कैनरा बैंक की तरफ से ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है यूजर आईडी और पासवर्ड नेट बैंकिंग का, आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप करते हैं। यहाँ पर हमने यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर दिया, इसके बाद यहाँ पर कैप्चा है, आपको कैप्चा फिलअप कर लेना है। यहाँ पर हमने कैप्चा फिलअप कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर है आपको लैंग्वेज, आप यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी लैंग्वेज में से ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश से रहने देते हैं। इसके बाद हम यहां से साइन इन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, लॉगिन करने पर आपको इस तरीका से आता है इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, तो आपको क्या करना है हम आपको यहां पर बता देते हैं।
यहाँ से क्लोज कर लेना आपको। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है क्रिएट रीसेट लॉगिन पासवर्ड। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी फिलअप करना है, तो जो यूजर आईडी आपको पीडीएफ में मिला है वह यूजर आईडी आप फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर है आई एम ए रिटेल यूजर कॉर्पोरेट यूजर, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना रिटेल यूजर पे। इसके बाद रिसेट माई अकाउंट यूजिंग है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको चार ऑप्शन मिलता है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर। चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पैन नंबर। इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर अपना फिलअप कर लेंगे, जो भी पैन नंबर आपका होगा आप फिलअप कर लेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर है, आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड है, आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड आप किस तरीक़ा से बनाएंगे, आपको यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें आपको एक लोअर केस, एक अपर केस होना चाहिए, उसके बाद वन न्यूमेरिक कैरेक्टर, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर हमने पासवर्ड फिलअप कर दिया, नीचे भी आपको कन्फर्म पासवर्ड कर लेना है, जो आपने ऊपर में फिलअप किया था सेम टू सेम नीचे भी फिलअप करना है। यदि आपको पासवर्ड समझ में नहीं आता है तो आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से पासवर्ड अपना बना लीजिए। इसके बाद आप यहां से सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए आ गया है, इसके बाद आपको यहां पर सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए ओटीपी आपको मिला होगा, आप ओटीपी यहां पर फिलअप करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। नीचे भी आपको ओटीपी फिलअप कर लेना है। यहाँ पर हमने ओटीपी फिलअप कर दिया है, इसके बाद आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते लिखा गया है कन्फर्मेशन यूजर पासवर्ड, योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। चलिए यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप फिर से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी फिलअप करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड आपने जो भी बनाया था वह फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर दिया है, इसके बाद इस कैप्चा को आप फिलअप करेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज है, आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश रहने देते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरीका से आप यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर दिखाई नहीं देगा, आप आसानी से कैनरा के नेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस बताया है। आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके अपना अकाउंट का डिटेल यहाँ पर जान सकते हैं। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपना अकाउंट नंबर और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर सारा डिटेल यहाँ पे शो करता है, जो भी आपका ब्रांच होगा आपको यहाँ पर शो करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके ऊपर में आपको मिल जाता है फंड ट्रांसफर करने के लिए, पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम आने वाले वीडियो में इसके सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो आने वाले वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।